बहादुर बेटे की आंखों में आंसू है लेकिन देश को गर्व है। विनेश फोगाट गोल्ड से भले चुकी हों लेकिन पूरा देश आपके साथ है। विनेश पदक भले न जीत पाई हों लेकिन उन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया है और ये तस्वीरें बयां करती हैं हमें अपनी बेटी पर कितना नाज है। बता दें कि शनिवार 17 अगस्त को विनेश फोगाट जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची उनके स्वागत के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। स्वागत के लिए विनेश का परिवार साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और उनके गांव के लोग भी आए थे। लोगों का ये प्यार देखकर एयरपोर्ट पर विनेश भावुक हो उठी और उनकी आंखों से आंसू छलछला आए। लोगों का उतना प्यार देख भावुक हुई विनेश फोगाट ने लोगों का आभार जताया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे देशवासियों की, इतना प्यार और सम्मान दिया। बिल्कुल मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे देशवासियों की, इतना प्यार और सम्मान दिया। बिल्कुल दिल्ली एयरपोर्ट पर विनेश का स्वागत करने के लिए न सिर्फ खिलाड़ी और आम जनता मौजूद थे बल्कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी वहां मौजूद रहे और विनेश का स्वागत करते हुए कहा कि पूरे देश को अपनी बेटी पर गर्व है। लोग बहुत हौसला बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे देश को गर्व है अपनी बेटी का। क्या खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा राजनीति में इस बार के विधानसभा? देखिए सभी को, सारे देश को गर्व है हमारी बेटियों पे। ये यात्रा की इसी तरीके से कहां तक जाएगी, क्या आप लोग का रूट प्लान है? ये आज सारे मलाली गांव तक का स्वागत रखा है। दिल्ली में हुआ ग्रैंड वेलकम तो अभी झांकी है, असली स्वागत तो अभी बाकी है। बता दें कि दिल्ली में विनेश फोगाट का भव्य स्वागत हुआ है, साथ ही उनके गांव बलाली में भी जश्न का माहौल है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने भी पहले ही ऐलान कर दिया है कि विनेश फोगाट का स्वागत वैसे ही होगा जैसे कोई मेडल विजेता का होता है, साथ ही उसे भी वो सारी सुविधाएं और सम्मान दिया जाएगा और विनेश फोगाट का ये स्वागत उसी एक झलक है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने भी पहले ही ऐलान कर दिया था कि विनेश फोगाट का स्वागत वैसे ही होगा जैसे कोई मेडल विजेता का होता है, साथ ही उसे भी वो सारी सुविधाएं और सम्मान दिया जाएगा और विनेश फोगाट का ये स्वागत उसी का एक झलक है। गौरतलब है कि ओलंपिक के फाइनल राउंड में 100 ग्राम ओवरवेट के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है और जब विनेश ने सीएस से सिल्वर मेडल के लिए अपील की तो उसे भी खारिज कर दिया गया, जिसके लिए देश में गुस्सा तो है लेकिन उससे ज्यादा गर्व अपनी बहादुर बेटी विनेश फोगाट पर है। और सबसे खुशी की बात ये है कि मेडल ना मिलने पर संन्यास ले चुकी विनेश फोगाट ने फिर से खेल में वापसी के संकेत दे दिए हैं, यानी इस बार ना सही देश की बेटी अगली बार अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। देश का डंका पूरी दुनिया में मचाने वाली गर्व है हमें अपनी बेटी पर। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।